आज मैं आप लोगों को घातांक और करणी के क्वेश्चन कराऊंगी। बच्चों मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे स्क्वायर रूट सिखाने वाली हूँ। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको तीन फॉर्मूलों की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं बेटा, पहले दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेकेंड फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? यदि यहाँ प्लस साइन आता है बच्चों, तो यहाँ प्लस है, कहने का मतलब टू ए बी वाला पार्ट प्लस का होगा। यदि यहाँ माइनस साइन आता है तो टू ए बी वाला पार्ट बेटा माइनस साइन वाला होता है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। तीसरा फॉर्मूला कम यूज होता है, वो है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेके स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। बच्चों आपको इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट पता करना है। इसका मतलब आपको क्या पता करना है? आपको इसकी वैल्यू पूछी है बेटा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि जब भी आपको नीचे रूट मिले आप क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दीजिए। ये देखिए आपको नीचे रूट मिला, क्वेश्चन रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? पहले तो हम लिख लेते हैं जो दिया है। बेटा यहाँ कौन सा साइन है? माइनस साइन है। प्लस साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये इस तरह से। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन करना, ठीक है? यहाँ माइनस साइन है, प्लस साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये होल स्क्वायर हो गया बेटा, दो बार आ रहा है, होल स्क्वायर लिख लिया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला नंबर तीन कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई में होते हैं। तो बेटा ये ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है फॉर्मूला। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग यदि आप चलते हो तो ऊपर वाला तो मैंने लिख दिया। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर बच्चों, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, ये देखिए कैंसल हो गया। अगली स्टेप में स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, ये कैंसल हो गया। अब बेटा तीन में से एक दो घट गए, तीन में से दो घट गए एक बचा। अब वही बात बेटा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है, ये कैंसल हो गया। ये देखिए आपका सॉल्यूशन क्या बना बेटा, रूट थ्री प्लस रूट टू। इसका मतलब ये जो आपको दे रखा है इसका स्क्वायर रूट क्या निकला? रूट थ्री प्लस रूट टू। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ये जो दे रखा है ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये देखिए स्क्वायर रूट का साइन है, ठीक है? सबसे पहले मैं ये हिस्सा ले लेती हूँ बेटा और साइड में आपको सॉल्व करके बताती हूँ, थोड़ा लॉजिक भी सिखाऊंगी। यदि आप लॉजिक समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे। ये देखिए ये लिख रहे थे हम साइड में, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा वो बताऊंगी मैं। सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ प्लस साइन है। तो दो फॉर्मूले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए। पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, ठीक है ना? तो बेटा आप ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन में मुझे प्लस मिला। ये देखिए उतारा मैंने क्वेश्चन, क्वेश्चन में मुझे क्या मिला? प्लस मिला, ठीक है? तो ये देखिए कैसे होगा, मैं इतने हिस्से को सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है? इससे इसका कंपैरिजन कीजिए, हमेशा ऐसे ही करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर बात क्लिक कर गई आपको। ये देखिए 2ab से इसका कंपैरिजन करेंगे। बेटा आपको 2 चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से बनाने के लिए, तो इस 6 को आप लिख लीजिए 2 और इनटू 3, हो गया आपका 6। 2 बनाना था बना लिया। अब 2 6 का आपने 2 इंटू 3 लिखा,
अब ये रूट फाइव बचा बेटा, यहाँ लिख लीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो क्वेश्चन ही हो गया। कैसे, ये देखिए, टू को छोड़ के जो बचा वो क्या हो गया बेटा, कंपैरिजन कीजिए, ए बन जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर बनाना है। मतलब इस फॉर्मूले में ए की जगह बेटा, समझ में आया आपको, ए की जगह क्या हो गया, थ्री हो गया बेटा, और बी की जगह समझ में आया, रूट फाइव बनेगा। बस यही एक बात है, चलिए मैं करके बताती हूँ। ये देखिए, ए स्क्वायर बनाना है बेटा, मतलब ए आपका क्या है बेटा, थ्री, तो थ्री स्क्वायर लिख लो। प्लस बी स्क्वायर बनाना है, तो आप कंपैरिजन करो, बी क्या हो गया, रूट फाइव, तो रूट फाइव का स्क्वायर लिख लो। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसे कैसे लिखा, रीजन सुनिए, पीछे वाले हिस्से को देखिए बेटा, इस सिक्स को लिखा टू इंटू थ्री, सिक्स हुआ, रूट फाइव की जगह रूट फाइव हुआ, पीछे वाला हिस्सा तो सेटल है, ठीक है। अब आगे वाला देखो, थ्री का स्क्वायर क्या होता है बेटा, नाइन होता है, और बेटा रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, क्या बचा बेटा, फाइव, दोनों को जोड़िए, चौदह आ रहा है, चौदह ही तो चाहिए था। ये देखिए, इन दोनों का सॉल्यूशन चौदह बन गया। ये ऑटोमेटिक बनेगा कब, जब आप इस 2ab से हर एक क्वेश्चन में कंपैरिजन करना सीख गए तो, ठीक है, अपने आप एडजस्ट होगा बेटा। अब देखो आगे बताती हूँ मैं आपको। अब बेटा ये देखिए, ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए आपका बेटा ये है, बी ये है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया बेटा। ये देखिए, आपने इसका सॉल्यूशन बेटा साइड में निकाला, क्या आया बेटा, थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, आपके पास क्या बचा, थ्री प्लस रूट फाइव, और बेटा आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया। बेटा आपको ये जो ब्रैकेट दे रखा है उसका क्या पूछा है बेटा, स्क्वायर रूट पूछा है, तो हम क्या करें, इसे साइड में लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कैलकुलेशन बन के आता है। चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहले 11 माइनस 2 रूट 30, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, क्वेश्चन हमें बताता है कैसे, यहाँ माइनस साइन मिला, मतलब माइनस का फॉर्मूला कौन सा था बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने हमेशा कहा आपसे, पीछे वाले हिस्से से इसका कंपैरिजन लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये देखिए, पीछे वाले हिस्से पे आते हैं, देखिए माइनस 2 चाहिए, तो बेटा माइनस 2 है। अब ये 30 है, अब 30 को आप दो हिस्से में तोड़ लो, कैसे, इसको 6 इंटू 5 लिख सकते हो, है ना, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। थोड़ा एक और लाइन कर लेते हैं, दोनों में रूट लगा है बच्चों, अलग अलग लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब तो बन गया, अब आप पीछे से कंपैरिजन करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, माइनस की जगह माइनस है बच्चों, 2 की जगह आपको 2 दिखा, a की जगह क्या दिखा, रूट 6, और बेटा b की जगह क्या दिखा, रूट 5। बस हो गया क्वेश्चन, इसमें डाल दो, मतलब इस 11 को हम क्या लिखेंगे, ये देखिए, a स्क्वायर बनाना है, मतलब रूट 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, मतलब रूट फाइव का स्क्वायर। अब ये कैसे ये बना वो और बता देती हूं। ये देखिए बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 6 बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बनेगा, और 6 प्लस 5 11 होते हैं, 11 ही लिखा है ये एडजस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए, ये हिस्सा आपको तो समझ में आ गया था, इसको एक और बार लिख लेते। अब आपका पूरा फॉर्म बन गया, फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएगा कैसे, ये देखिए, ये ए स्क्वायर वाला हिस्सा बेटा, ये आपका प्लस बी स्क्वायर वाला, ये माइनस, ये आपका 2, ये वाला हिस्सा ए, ये वाला बी, बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के हिसाब से ए की जगह बेटा रूट 6 और बी की जगह रूट 5 रखना है, तो रख देते हैं बच्चों।
चलिए रख देते हैं। ए का मतलब रूट सिक्स, बीच में माइनस, बी का मतलब बच्चों रूट फाइव और उसका क्या होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन में वैल्यू डाल देते हैं, ये वैल्यू डाल देते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन आपने ये बनाया रूट सिक्स माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपके पास क्या बचा रूट सिक्स माइनस रूट फाइव। और बच्चों आपसे स्क्वायर रूट इस नंबर का पूछा था वो यह है, क्वेश्चन का इस ब्रैकेट का रूट निकालना है, मतलब कि जो ब्रैकेट दे रखा है उसका स्क्वायर रूट पता करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, साइड में लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा। आप क्या देखोगे बेटा, पीछे वाले पार्ट में साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, फॉर्मूला माइनस का लगेगा। लिख लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बच्चों माइनस टू ए बी ऐसा। अब हम क्या करें बेटा, ये देखिए माइनस टू लिख लिया, ये देखिए माइनस टू चाहिए, माइनस टू ये यहां से उतार लिया। इस टेन को आप क्या लिख सकते हो, इस टेन को आप लिख सकते हो रूट फाइव इंटू टू हो जाएगा रूट टेन। अब बेटा इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हो, रूट फाइव अलग से लिख लो और बेटा रूट टू अलग से लिख लो, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, ये देखिए माइनस टू, तो ये बेटा माइनस टू है, ए का मतलब कितना हुआ बच्चों रूट फाइव और बेटा बी का मतलब रूट टू। तो अब हम इधर वाला हिस्सा एडजस्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर ए कितना हो गया आपका रूट फाइव, तो रूट फाइव का स्क्वायर बनेगा प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या हुआ, बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है फाइव बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल टू बनेगा, दोनों को जोड़ोगे सेवन बनेगा। ये देखिए सेवन बन रहा है, मतलब एडजस्टमेंट हमारा सही है। अब आगे चलते हैं, इसको हम वापस से लिख लेते हैं बेटा रूट फाइव का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के हिसाब से चलो, ए स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर माइनस टू, ये आपका ए बेटा ये आपका बी। तो फॉर्मूला बन रहा है क्या लिखे बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए कितना आपका रूट फाइव और बी आपका रूट टू, तो क्या होगा रूट फाइव माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। हमने यहाँ वैल्यू रख के लिख दिया, हमें कैलकुलेशन अंदर का पता चल गया। अब इसमें हम उसको लिख देते हैं बेटा, इसकी वैल्यू ये आपने निकाली। अब क्या बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपका सॉल्यूशन बना रूट फाइव माइनस रूट टू। बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, पिछले जो क्वेश्चन करे उसमें सिर्फ एक हिस्सा सॉल्व कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा और बढ़ गया, दूसरा हिस्सा भी हमें सॉल्व करके क्या करना है बच्चों प्लस करना है। चलिए स्टार्ट करते, पहला हिस्सा निकालेंगे बेटा, अंदर वाला हिस्सा निकालूंगी मैं, ठीक है, पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। तो बेटा सबसे पहला हिस्सा मैं आपको निकाल के बताती हूँ और यहाँ वैल्यू डाल देती हूँ। पहला हिस्सा अंदर वाला क्या है बेटा, टेन माइनस टू और रूट ट्वेंटी वन, ठीक है, मुझे माइनस साइन मिला बेटा, मतलब फॉर्मूला किसका बनने वाला है माइनस का बनेगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। चलिए पहला हिस्सा सॉल्व करते हैं, ये देखिए माइनस टू, इस 21 के फैक्टर बनाएंगे आप तो 7 और 3 बनेंगे बच्चों, ठीक है, ये आपका माइनस टू, इनको रूट को अलग अलग लिख लो, क्या लिख सकते हो बेटा रूट 7 इंटू रूट 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, कंपैरिजन करते हैं इस हिस्से से इसका, ये देखिए माइनस टू है, ए कितना हुआ बच्चों रूट 7 और बी कितना हुआ बेटा रूट 3, तो यहां का एडजस्टमेंट हो जाएगा, ए स्क्वायर करना है मतलब रूट 7 का स्क्वायर, बेटा बी स्क्वायर करना है मतलब
रूट थ्री का स्क्वायर। एक और बार इनको लिख लेते हैं। अब ये देखते हैं कि ये वाकई में आगे 10 बन भी रहा है कि नहीं। ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा 7, बेटा स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा 3, और 7 और 3 मिलके 10 होते हैं। मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन एडजस्ट हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब तो फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये देखिए ये बन गया ए स्क्वायर वाला पार्ट प्लस बेटा ये प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट माइनस ये 2, ये आपका a और ये बच्चों b। तो फॉर्मूले के हिसाब से a माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा a आपका रूट 3 है और b सॉरी a आपका रूट 7 है और b आपका रूट 3 है। इधर वैल्यू डाल दीजिए, रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। पहला हिस्सा निकल गया बच्चों, अब मैं उसकी यहाँ पे वैल्यू डाल देती हूँ। ये रहा रूट की जगह तो बेटा रूट है, ये बचा इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हिस्सा पूरा हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है बच्चों, आपके पास ये बचा। ठीक है, अब ये मैंने क्या करा बच्चों, पहला हिस्सा सॉल्व करके मैक्सिमम जितना बन सका सॉल्यूशन निकाल दिया। अब सेकंड हिस्से को सॉल्व करते हैं। सेकंड हिस्सा बच्चों ये है, रूट नहीं लेते अपन, सिर्फ अंदर वाला ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, 2 वाले पार्ट में बेटा यदि प्लस साइन है तो फॉर्मूला किसका बनेगा, पता चल गया प्लस का बनेगा, तो लिख लेते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको 15 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर बनाओ 5 × 3 रूट के साथ, है ना। अब इनको अलग अलग भी लिख लेते, कैसे, रूट 5 अलग से लिख लो और रूट 3 अलग से लिख लो। लिख लिया, अब कंपैरिजन कर लो, ए आपका 2, बी आपका रूट 5 और बेटा सी आपका रूट 3 है। तो इस पर इसमें कन्वर्ट कर लो, ये वाला हिस्सा बना लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब ये देखो रूट 5 का स्क्वायर, बेटा बी स्क्वायर मतलब ये पता चल गया बी कितना है, रूट 3 का स्क्वायर। ऐसा तो फॉर्मूले के हिसाब से कंपैरिजन कर लेते, ए स्क्वायर ये वाला हिस्सा प्लस बी स्क्वायर ये वाला हिस्सा प्लस ये 2 बेटा ये a और ये आपका b। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बेटा ये a और ये b हुआ, a प्लस b का होल स्क्वायर करो मतलब रूट 5 प्लस b का मतलब रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन बेटा हम यहां लिख देते हैं, मतलब सेकंड पार्ट, रूट था रूट लगाया, इसका सॉल्यूशन आपने ये निकाला बच्चों, ये लिख लिया। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है बेटा, ये क्या बचा, रूट 5 प्लस रूट 3, है ना। ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस साइन है ब्रैकेट हटा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये माइनस का रूट 3 ये प्लस का रूट 3 कैंसल, आपका सॉल्यूशन आया बेटा रूट 7 प्लस रूट 5।